फ्रेंड्स, टाटा इलेक्सी के मैनेजमेंट ने रिजल्ट के बाद जो कॉन्फ्रेंस कॉल होते हैं वहां पर बहुत ही स्ट्रांग कमेंट्री दी है और ऐसा कहा है कि अगले आने वाले 4 क्वार्टर बहुत ही स्ट्रांग रह सकते हैं। और यहां पर फ्रेंड्स साल दर साल 30% से भी ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल सकती है और उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा टाटा इलेक्सी हो सकता है अगले आने वाले दिनों में विज़न 2026 ऐसा कुछ प्लान कर कर बाजार के सामने रखे। और वहाँ पर मेरा पर्सनली अभी ऐसा मानना है कि अभी जो टाटा इलेक्सी की 2000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू है वो 3 गुना से भी ज़्यादा होने का लक्ष्य टाटा इलेक्सी रख सकते हैं। हालांकि अभी टाटा इलेक्सी ने कोई स्पष्टता नहीं की है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स सबसे पहले इस शेयर के बारे में बात करें तो टाटा इलेक्सी का 15 जुलाई को बाजार बंद होने के बाद पहले क्वार्टर का रिजल्ट आया था और 16 जुलाई को इस शेयर में हमें 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी। और यहाँ पर मैनेजमेंट की जो कॉन्फ्रेंस कॉल थी वो 16 जुलाई 2 बजे के आसपास थी, यानी कि 3 बजे के आसपास ये कॉन्फ्रेंस कॉल खत्म हुई होगी, मगर शेयर में कोई खास इफेक्ट इसका आता हुआ नहीं दिखाई दिया था। तो सबसे पहले अभी जो हाल ही में रिजल्ट आया उस पर चर्चा करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या खास बात हुई वो जानना जरूरी है। तो आप देख सकते हो पिछले क्वार्टर में 518 करोड़ की रेवेन्यू थी वो बढ़कर 558 करोड़ पर आई थी, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7.5% टाटा इलेक्सी की रेवेन्यू बढ़ गई थी। और फ्रेंड्स सभी को पता है कि आईटी इंडस्ट्री में 4-4.5% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर ग्रोथ देखने को मिल जाए तब भी बहुत शानदार मानी जाती है, मगर यहाँ पर तो उससे 1.5 गुना ग्रोथ आई थी। और प्रॉफिट आप देख सकते हो फ्रेंड्स सबसे निचले वाले लाइन में पिछले क्वार्टर में जो 115 करोड़ का प्रॉफिट था वो घटकर 113 करोड़ आए। तो रेवेन्यू बहुत ही बड़ी थी मगर प्रॉफिट क्यों घटा था, तो उसका मेन रैंक ही रीज़न था कि इस बार टाटा इलेक्सी ने 33 करोड़ का अपने एम्प्लॉय को वन टाइम बोनस दिया था, यानी कि सभी एम्प्लॉय को एक एक सैलरी बोनस के तौर पर दी थी और इसी वजह से 33 करोड़ का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बढ़ा था। और आप यहाँ देख सकते हो पिछले क्वार्टर में 264 करोड़ का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस था वो बढ़कर 302 करोड़ हो गया था। तो फ्रेंड्स इसी वजह से हमें प्रॉफिट में कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली, हालांकि रेवेन्यू में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली थी। तो अब आगे क्या होगा वो देखने के लिए सभी लोग कॉन्फ्रेंस कॉल सुनते हैं, यानी कि अगले आने वाले रिजल्ट कैसे आएंगे। तो फ्रेंड्स उसके ऊपर हम बात करें तो अभी जो 558 करोड़ की इस क्वार्टर में रेवेन्यू आई है फ्रेंड्स वो अगले आने वाले क्वार्टर में अगर 7-8% से इसकी रेवेन्यू क्यू ऑन क्यू बढ़ती है तो 600 करोड़ तक इसकी रेवेन्यू आएगी, यानी कि अगला आने वाला जो दूसरा क्वार्टर का रिजल्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। और फ्रेंड्स एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में से बोनस का खर्च निकाल दे तो इसकी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 265 करोड़ वापस आ जाएगा, मगर यहाँ पर 1 जुलाई से टाटा इलेक्सी ने अपने एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा दी है। तो यहाँ पर हम ऐसा मानकर चल सकते कि यह एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस घटेगा भी नहीं और बढ़ेगा भी नहीं, यहाँ पर ही रहेगा। तो रेवेन्यू बढ़ेगी खर्चा नहीं बढ़ेगा, तो इसी वजह से प्रॉफिट जो इस बार 113 करोड़ का है वो अगला आने वाला जब रिजल्ट आएगा तो 122-123 करोड़ के आसपास आने की उम्मीद, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट टाटा इलेक्सी के रहने वाले। और सभी बड़े बड़े दिग्गज एनालिसिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल इसीलिए ही सुनते हैं कि अगला आने वाला रिजल्ट कैसा है, अगर अच्छा आने वाला है तो वो लोग जब भी शेयर को बाय करने का मौका मिलता है तो वो बाय करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स इसी वजह से अभी यह जो शेयर 4300 रुपये के आसपास के लेवल पर ट्रेड करा है तो आप चाहो तो करंट प्राइस पर भी इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो, और या फिर अगले रिजल्ट तक लेना है तो 5000 रुपये तक के टारगेट लेकर चल सकते हो। तो आपको जब भी मौका मिले इस शेयर को बाय करने का तो बाय कर सकते हो। और अब बात करते हैं मैनेजमेंट ने ऐसी क्या स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दे दी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैनेजमेंट ने ऐसा कहा कि जो अभी 7% के आसपास की क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर ग्रोथ चल रही है वैसी ही अगर ग्रोथ रही तो 30% के बाहर इसकी साल दर साल की ग्रोथ जा सकती है। तो फ्रेंड्स ऐसी ग्रोथ तो पिछले 3 साल में टाटा इलेक्सी में हमको देखने को नहीं मिली, यानी कि बहुत ही बेहतर ये साल रहने वाला है अगर हम साल दर साल के तौर पर कैलकुलेट करें तो। और इसके अलावा यहाँ पर अगले आने वाले दिनों में टाटा इलेक्सी की ओर से विज़न 2026 ऐसा कोई मिशन लॉन्च होता हुआ भी हम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वहाँ पर क्या निकल कर आ सकते हैं, तो अभी जो इसकी 2000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू है हो सकता है वो 3-4 गुना रेवेन्यू 2026 तक करने का लक्ष्य लेकर आए। हालांकि मैनेजमेंट ने यहाँ पर कोई स्पष्टता नहीं की मगर वैसे ही संकेत मुझको मिल रहे थे। तो ओवरऑल
यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो बहुत ही बड़ी स्टोरी क्रिएट होने वाली है, और इसका रोड मैप शायद अगले आने वाले क्वार्टर में भी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल यहाँ पर अगले आने वाले 4 क्वार्टर बहुत ही स्ट्रांग रहने वाले हैं, और दूसरे क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ही स्ट्रांग आने वाला है। तो जितने भी इस शेयर में हमको गिरावट देखने को मिलते हैं, उसका लाभ उठाकर इस शेयर को बाय करना चाहिए, जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उसको भी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको भी।